एक्शन। नमस्कार, मैं पुखराज, इस रॉयल फैमिली का रॉयल मैनेजर। जब रॉयल्टी खानदानी होती है तो उनके साथ काम करने वाले खास लोग भी खानदानी होते हैं। मेरी फैमिली की कई जनरेशन ने इस रॉयल फैमिली को सर्व किया है। मेरे पिताजी किंग दिगंबर के खास लोगों में से एक थे, खास मुलाजिम थे, और मैं किंग विशंबर का। जब रिश्ते इतने पुराने और अटूट हो जाते हैं तो किसी भी बात को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब किंग विशंबर और गायत्री की शादी के कुछ दिनों बाद मैंने उनके माथे पर परेशानी की लकीरें देखी तो मैं समझ गया था कि यह कुछ और नहीं, सिर्फ उत्तराधिकारी को लेकर है। मुझ पर किंग विशंबर के बहुत से एहसान हैं जिन्हें मैं चाहकर भी सारी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा और नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी एहसान मांगा तो वो बात सुनकर मेरी जिंदगी ही बदल गई। मुझ पर उनका कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं उस परिवार से हूं जहां लोग राजा की एक बात के लिए अपनी ही तलवार से गर्दन काटकर उसकी अपनी गर्दन उसके कदमों में रख देते हैं। तो मैंने भी वही किया, मैंने उनकी बात मान ली। किंग रुद्रा और नैना मेरे ही बच्चे, उनकी जो भी तकलीफ है मेरी तकलीफ है और उनकी तकलीफ उससे सहन नहीं होती। मैं जानता हूं कि किंग रुद्रा जानवी के साथ और नैना सूरज के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे उनकी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन गायत्री देवी भी यही चाहती थी, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी थी और उनकी मजबूरी सिर्फ मैं समझ सकता हूं। इसलिए कई बार किसी के दिल की बात को समझने के लिए शब्दों की